नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। और अभी जो है सुबह सुबह जल्दी मैं आज धाम पर पहुंच चुका हूं। यहां पर इस क्षेत्र में रात को भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। आसपास के क्षेत्र में जो है आप देख रहे हैं सब कुछ एकदम भीगा भीगा हुआ है। और तेज़ बारिश के साथ जो है आंधी भी बहुत तेज़ थी, इसलिए ये देखो तिरपाल भी उड़ गया है। श्री बागेश्वर बालाजी के धाम पर मधुर मधुर महिलाओं के गीत भजन। मेन मुख्य पॉइंट जो है वो ये है कि वास्ते रखे कि वीडियो बना लेना, मेरा के वीडियो एडिट करना तो सब ठीक जाए, सही ठीक जाए कर करके बैठ के कौन सी कामना के साथ हम जो है हर मंगलवार और हर शनिवार बागेश्वर बालाजी की ये जोत फेर रहे हैं। Yeah.
बाहर को नहीं। रोहित ने बुलाओ, रोहित तू आई ने एक छोरो आज रहे, कोई रेत रात गिरान में कोई मदद कर दो। क्योंकि ये जो माँ बहन बेटियां हैं ये अपनी इच्छा से लगा रही हैं, अपनी इच्छा से ये कार्य कर रही हैं, किसी का दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है इन पर। और ये जो धाम आप देख रहे हैं श्री बागेश्वर बालाजी धाम जो धजा फरूक रही है, ये इसी का आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। ये देखो सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और भगवान इंद्र भगवान रात को यहाँ पर खूब बरसाए, खूब बरसात करी है और इसी का फायदा उठाते हुए हम जो है ये पौधे इन माँ बहन बेटियों से सभी से लगवा रहे हैं। जो श्रद्धालु आए हैं उन सबसे छोटा छोटा बच्चा खड़े हैं नी अन प्रसाद दे दे, प्रसाद देन खातिर ये शाबाश, बहुत ही बढ़िया है जी, मुझे सेट कर दो। तीन बकेन होगी, अब एक और लाग गयो, यहाँ लगाना है ठीक है, तो थे थोड़ी नहीं कर रखे। हाँ, मैं भूल जाऊंगा आ बात। तो मेरे YouTube परिवार ये जो आप देख रहे हैं यही तो हमारा ढोल है, यही हमारा पेटी बजा है और यही हमारा जो है वो क्या बोलते हैं एकदम सुर है, मृदंग है और लाउड स्पीकर है, सारी चीज यहीं से बज रही है। बागेश्वर बालाजी के भजन है जो यहीं से चल रहे हैं। अब चलो धाम पर, एक एक को तो लगा दियो, जगह धाम पर चलो प्रसाद पाओ। लगा दो शाबाश, दूरो दूर दो भाई, हाँ ये डाल दे, हाँ शाबाश, आप दोनों आता हूँ पकड़। हाँ तो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग माँ बहन बेटी जितने भी हैं इन सब के हाथ से एक एक पौधा लगवाया है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है इनका, बालाजी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से। देखो सभी जड़े जो है एकदम हरी है और एकदम खुशी से ये तैयार है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्यों बिगड़े तो एकदम सही है। तो ये इतना ही लगा दो, पानी गाल लो, आगे व्यवस्था करनी चाहिए पड़ सी तुम्हारे, तो ये तो पानी का बिगड़ है। लो रेत छोड़ छोड़ दे बकेड़ ने, तुम तेरे हाथ में रेत गिर रहा पतली साइड में एकदम पूरी सरका दे। तो मेरे YouTube परिवार आज जो है बार शनिवार था और शाम को जो है बालाजी की कृपा से आसपास के क्षेत्र में खूब बारिश हुई और हमें मौका मिल गया। ये सभी माँ बहन बेटियाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर बालाजी के धाम पर बैठ करके मधुर भजन गाए, जोत फेरी और पौधे भी लगवाए। दालू जो सारे थे वो फटाफट से अपने हिसाब से पौधे लगा करके चले गए, लेकिन प्रत्येक पौधे को मैं अपने हाथ से देख रहा हूँ कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बोलते एक एक बाल्टी में पानी भी डलवा रहा हूँ, शाम तक बरसात और बरस जाए तो मैं देख रहा हूँ। आज ये जितने पौधे लगाए हैं ये पौधे लगवाए हैं डॉक्टर चेतन माली रातलिया, माँ दमयंती माली नगर उदयपुर से, उन्होंने ये पौधे लगवाए और इन पौधों की संख्या है लगभग 60।
डॉक्टर चेतन जी माली रातलिया, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर खेल बनवाई थी पानी की। तो 150 रुपये के हिसाब से तो एक पौधे का वो पेमेंट भेजना है इनको। लगभग 60 पौधे आज उनके नाम के ही लगवाए मैंने। और फिर डॉक्टर साहब को हर महीने 3000 रुपये भेजने होंगे एक साल तक, वो इनके रख रखाव के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनमें पानी डालने के लिए, इनकी जो है आसपास जो खरपतवार होगी वो खरपतवार निकालने के लिए, इनकी मतलब कम से कम एक साल तक वो जो पेमेंट भेजेंगे तब ये पौधा उनके नाम का लगा हुआ माना जाएगा। तब माना जाएगा कि हाँ, क्योंकि एक साल बाद में ये पौधा है जो पूरा बड़ा हो जाएगा, फिर इनकी कोई ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि 150 रुपया के हिसाब से और कम से कम 5 पौधे, कम से कम 5, एक एक नहीं, और फिर बड़ लगाओ, पिंपल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये नहीं, गुलमोहर और बकेण ये दो ही पौधे यहाँ पर कामयाब होंगे। ये रेतीली ज़मीन है, बड़ पिपल मैं 7 लगा करके देख रहा हूँ आगे फ्रंट लाइन में, वो लग जाएंगे तो यहाँ पर और लगाएंगे बाद में, लेकिन बकेण और गुलमोहर के पौधे हैं। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको फिलहाल 5 पौधे के 750 रुपये ट्रस्ट के अकाउंट में पे करने, और उसके बाद हर महीने आपको 250 रुपये भेजने हैं 5 पौधों के। मैंने बात कही है वो समझ गए होंगे, गाय हो, चाहे यहाँ पर धाम पर प्रसाद हो, चाहे पौधों की सुरक्षा हो, चाहे और भी यहाँ पर कोई चौकीदार हो, चाहे गोबर गेरने वाला हो, डालने वाला हो, चाटा दिलाने वाला हो, कोई भी कार्य करने वाला हो, सब पैसे लेते हैं। बिना पैसे के यहाँ कोई कुछ भी नहीं करता है। सभी YouTube परिवार के भाई बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप 5 पौधे लगवाने चाहते हैं तो कल से आपके नाम के पौधे लगाने चालू कर देंगे। पौधे आप देख रहे हैं, पड़े ही हैं। 5 पौधों के आप 750 रुपये पे कर देना ट्रस्ट के अकाउंट में, और उसके बाद आप एक संकल्प करना कि भाई हमारे वो 5 पौधे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हर महीने आपको 250 रुपये भेजने। बारिश को टाइम हुआ है, थोड़ा झड़ झड़ हुआ है नहीं, जद कि एक गायन बापरियान भूख बहुत ज़्यादा लग गए इन वास्ते। देखो है सारी मेरे पीछे पीछे है, मैं इन्हें जाऊँ तो इन्हें जाऊँ तो इन्हें भाँ भाँ लगी हुई है। और यहाँ जो है सबके ही काम है, अभी जो बरसात का टाइम है तो सब मतलब एकदम बहुत बुरी तरह से बिजी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो तनख्वाह ले रहा है सेवादार वो भी नहीं आ रहा है, और जो वैसे ही आ रहे हैं कोई सेवा करने के लिए वो तो आए हैं क्या। अभी इन गायों की आवाज़ सुनो आप, क्या करें, मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जल्दी जल्दी मैंने आते ही यही पैरवाई की है कि भाई जल्दी जल्दी चाटा देना है। मनोज मोटर रिवाइंडिंग, गांव धनारी कलां बावड़ी जोधपुर से 201 रुपया। बाबूलाल जी प्रताराम जी, गांव बिद्दासर जिला चूरू हाल कुवैत से 551 रुपया। नरेश जी भारद्वाज नगर द्वारिका दिल्ली से 101 रुपया। रघुनाथ जी जांगिड़ हवलदार फौजी भाई रिंगण नागौर से 101 रुपया। नेत्राम छंगाराम जी कुमाऊत गाँव खड़ग नारेड़ा जयपुर से 501 रुपया। सांवर सिंह जी गांव कुमासगढ़ जिला डीडवाना से 101 रुपया। अनीता जी छिल्लर गांव बामलोली बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा से 501 रुपया। राजेंद्र जी सरसवा गांव धोलपालिया एलनाबाद हरियाणा से 101 रुपया। प्रकाश जी राजपुरोहित नगर इंद्रप्रस्थ खिरोड़ी चितलवाना जालौर से 101 रुपया। बहन सुमन रानी नगर सिरसा हरियाणा से 121 रुपया। बहन सुमन जी जाखड़ नगर दिल्ली से 101 रुपया। मोक्ष जाजुदा सरपंचनी गांव सदलपुर आदमपुर मंडी हिसार से 101 रुपया। सतपाल जी यशदीप
गांव डुब्बड़धन झज्जर हरियाणा से 501 रुपया, बाबूलाल जी सुथार गांव नवसारी चीखली गुजरात से 201 रुपया, एक गोमाता भक्त नगर जोधपुर से 101 रुपया, किरसन जी वर्मा नगर नजफगढ़ दिल्ली से 501 रुपया, अनिल कुमार जी पूनिया गांव मलखेड़ा बादरा हनुमानगढ़ से 101 रुपया, बहन उम्मा जी बरठ एंड उर्मिला जी जगठ नगर बनी पार्क जयपुर से 501 रुपया, श्रीमती मोनी देवी जी नगर बेंगलोर कर्नाटक से 151 रुपया, रमेश जी सैनी गांव गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा से 121 रुपया, निर्मला देवी जी गांव ताखलसर जिला सीकर से 151 रुपया, हीरनाथ जी सिद्ध गांव बिकमसरा सरदारसर चूरू से 101 रुपया, लक्ष्मण सिंह जी चौहान गांव उद्यास उदलियास भीलवाड़ा से 101 रुपया, बजरंग लाल जी जांगिड़ गांव दुगोली जायल नागौर से 501 रुपया, और बनवारी लाल जी बोरा गांव सांडवा बिद्दासर चूरू से 100 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें, ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।